गिरिराज सिंह फैन क्लब की ओर से शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। क्लब की ओर से इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन शहर के इमली चट्टी स्थित होटल आस्था के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। वहीं रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बरूराज के विधायक अरुण कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। गिरिराज सिंह फैन क्लब के संरक्षक दिवांशु किशन ने बताया कि क्लब पिछले कई वर्षों से गिरिराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। हमने तो सारा बात मन से बोल ही दिया है, शायद इसके लिए दिवांशु जी को हम कितना हृदय से आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। और इनका कार्य तो अनवरत इस तरह का चलता रहता है, जिसको बड़े नज़दीक से हमने कई बार देखा है। और इनके कारण हमारे समझ से हमारे रिकमेंडेशन पर शायद अभी तक लगभग गिनती याद नहीं है, हाल फिलहाल चार दिन पहले भी 2 यूनिट ब्लड इन्होंने एक पेशेंट को मुहैया कराया है, जिससे उसका जान बचा है। इस तरह के लगभग 20 बोतल के आसपास आज तक इन्होंने हमारे कहने पर गरीब लोगों के पास, जिनके पास रक्त की कमी होती है, वैसे लोगों को इन्होंने रक्त मुहैया कराया है। इसलिए देवांशी जी को खास करके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ गिरिराज सिंह जी के जन्मदिन पर। कई मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना रक्तदान किया है। यही होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी जन्मदिन गिरिराज जी का और खून दे रहे थे अमीन खान, क्या नाम था, मोहम्मद अमीन खान भाई गिरिराज जी के जन्मदिन पर रक्तदान कर रहे। कितना अच्छा संदेश जा रहा है, सारे समाज को मिलाकर चलना है, सब धर्म का आदर करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं टीका वाले को मिटा देंगे, कुछ लोग हैं कह रहे हैं हिंदू धर्म कब आया ये पते नहीं है। अब बोलने वाले हिंदू ही हैं वो, लेकिन दयानिधि उदयनिधि स्टालिन के लड़के, उन्होंने कहा डेंगू और मलेरिया है। ये राजा जो कोल स्कैम में थे, उन्होंने भी इसको एड्स बताया। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने भी हिंदू धर्म पर सवाल उठाया। वो लोग तो थे ही, या भाई जगतानंद सिंह भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे। क्या हो गया इन लोग को, बीजेपी का विरोध करते करते अब सनातन धर्म का विरोध करने लगे। इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा।